प्राचीन रेजड़ी गांव पत्थर की सूरत में आज भी खुदरा इतिहास की गवाही दे रही है। दंतकथा के अनुसार एक बेटे का श्राप की वजह वो गांव सैकड़ों साल पहला पत्थर का खंडरा में तब्दील हुई। दरअसल महिला के मन में हमेशा रहवे है कि बिरा मायका में जित तो बिना लाड प्यार मिले है, वित तो ससुराल में नहीं मिले। पत्थर की कई शिला में आज भी मानव मूर्त झलक रही है। सा राम राम सा आप रो घणो घणो स्वागत है झलको चूरू पर। मैं नंदिता आपरे साथ। चूरू को एक गांव है जिके लिए दंतकथा है कि एक बेटी का श्राप हो वो गांव पत्थर को बन गयो। चूरू जिला के शादुलपुर तहसील मुख्यालय लगभग 60 किलोमीटर दूर रेजड़ी गांव, तहसील के एकमात्र लावा निर्मित ग्रेनाइट पहाड़ी के पास उजड़े हुए वो गांव पहाड़ी की शक्ल में प्राचीन रेजड़ी गांव पत्थर की सूरत में आज भी खुदरा इतिहास की गवाही दे रही है। दंतकथा के अनुसार एक बेटे का श्राप की वजह वो गांव सैकड़ों साल पहला पत्थर का खंडरा में तब्दील हुई। जानकारा की माना तो गांव की एक विवाहिता बेटी खुदरा ससुराल में बेटा ने जन्म दियो और बेटा रे जन्म के समय विवाहिता खुदरा भाई देसी घी मंगवायो हो, खुदरी सास का जमाया घी ने खाने इनकार कर दियो हो। दरअसल महिला के मन में हमेशा रहवे है कि बिरा मायका में जित तो बिना लाड प्यार मिले है, वित तो ससुराल में नहीं मिले। और जब महिला गर्भवती हुए तब भी री उम्मीदा पीहर पक्षु ज्यादा हुए, एक भरोसा हुए जो बा खुदरा पीहर पक्ष का लोगा पर कर सके, वो चाहकर भी बा खुदरा ससुराल वाला पर नहीं कर सके। तभी तो अविवाहिता मायका वालाओं घी मंगवायो हो। बहन की मांग पर वीरो भाई शुद्ध घी लेर बिरे घर आयो, पर जब बहन घी खानो शुरू करियो तो वह देखियो कि भाई जो घी ले रायो है भी घी का बर्तन में ऊपरी भाग में तो घी हो पर नीचे का भाग में गोबर भरियो हुयो हो। मान्यता के अनुसार पीहर पक्ष का इब्रताव ने महिला सहन नहीं कर पाई और खुदरा भाई के सामने ही श्राप दे दियो कि सारो रेजड़ी गांव पत्थर को हो जावे। मानो जावे कि बीस समय हूँ तत्कालीन रेजड़ी गांव का पशु पक्षी और बैठा का जो इंसान आप बेसब पत्थर का रूप में हो गया। तत्कालीन मकान खोपड़ी बनावट रेजड़ी की पहाड़ी पर आज भी साफ दिखाई देवे है। पत्थर की कई शिला में आज भी मानव मूर्त झलक रही है। पर खास बात आ है कि श्रापित पहाड़ी क्षेत्र में आज भी देवी माता को पूजा स्थल है और बैठे लोग पूजा करे। बढ़ारा लोग बताए कि पहाड़ी पर विस्फोट और प्राकृतिक आपदा की वजह आकृतियां खुदरो मूल स्वरूप जो हो वह खो चुकी है। आज भी श्रापित रेजड़ी की पहाड़ी रो पत्थर कोई भी ग्रामीण खुदरा घर में नहीं ले जावे। पुराना रेजड़ी गांव ने पार करके वर्तमान रेजड़ी गांव पहुंचबा पर एक खुशहाल गांव की तस्वीर नजर आवे। वर्तमान रेजड़ी गांव में विभिन्न जातिया का लगभग 300 घर है। गांव री जनसंख्या 1200 ज्यादा है जिमे करीब 1100 लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत है। गांव में नौकरी पेशा का लोग अधिक है, 100 अधिक व्यक्ति विभिन्न सरकारी सेवा में कार्यरत है। अढ़ा का अधिकतर लोग बरानी खेती पर निर्भर करे। बरानी खेती सिंचाई के बिना ही हुबा वाली खेती है जो एक तकनीक की तरह हुए जटे बारिश बहुत कम हुए बटे ये प्रकार की खेती करी जावे। आसान शब्द में बोलू तो सूखा क्षेत्र में नमी की कमी में करी जावा वाली आधुनिक और वैज्ञानिक खेती ने बरानी खेती बोले। ये खेती में कम नमी में ही बिना सिंचाई के फसला आसानी उगाई जावे। इसके लिए खेती की गहरी जुताई करी जावे और वाष्पीकरण ने रोकने को प्रयास करियो जावे। ग्रामीण बताया कि रेजड़ी गांव तहसील और जिला मुख्यालय काफी दूर है, अटे सड़क जैन की बुनियादी सुविधा भी क्षतिग्रस्त हालत में है। गांव में केवल 8वीं तक सरकारी स्कूल है, कोई खेल को मैदान नहीं है। इसके अलावा पिछला कई दिनों पेयजल की भी किल्लत है। तो आही श्राप पत्थर में तब्दील हुआ वाला रेजड़ी गांव की कहानी। चूरू री खबर अपनी खुदरी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको चूरू ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। अभी के लिए इतो ही, कल फिर मिला चूरू से जुड़ी एक नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखता रहिए झलको चूरू। आज री ई दंतकथा की कहानी से जुड़े कोई पॉइंट मैं वीडियो में नहीं बोली हूँ जो आपने पतो है तो आप कमेंट में लिखकर बता सको। साथ ही कोई और चूरू से जुड़ी अलग दंतकथा आपने पतो है तो बीरा बारे में भी लिखकर जरूर बताइए। राम राम।